हाय एवरीवन, आज वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि स्क्वायर ऑफ टू डिजिट के जो नंबर होते हैं ना, इसको बिना मल्टीप्लाई करे आप कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि जब हम मैथ्स करते हैं ना तो ये वहां पर फंस जाते हैं और हमें दो बार मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल ट्रिक है, ध्यान से आपने सुनना है। पहला नंबर लेके आता हूं यहां पे 17 का स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई नहीं करनी। अब ट्रिक क्या है सुनो, यहां पे क्या करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब यहां क्या करोगे, 9 लिखोगे और 4 जो है साइड में लिखोगे, ये 4 कैरी में जाएगा। अब क्या करोगे, 1 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, 1 × 7 7 हुआ, और 7 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 2 = 14 हुआ, 14 आ गया। 14 में ये 4 ऐड करोगे, कितना आया, 14 + 4 = 18। अब 18 का क्या करोगे, 8 लिखोगे और 1 फिर से कैरी का चला जाएगा। यानी जो भी नंबर आ रहा है आप उसके यूनिट प्लेस लग रहे हो और टेंस प्लेस कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अब सुनो क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर करेंगे फिर से। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में ये कैरीड फॉरवर्ड 1 ऐड होगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यू विल गेट योर आंसर 289। मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके आऊँ 29 स्क्वायर, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बहुत बेस्ट देके जाऊँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डाउट बिल्कुल ना रहे। क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 81। तो 81 का 1 आएगा और 8 कैरीड फॉरवर्ड का हो जाएगा। सुनो, 2 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9 = 18 और 18 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2 = 36। 36 में ये 8 ऐड होगा तो 44 आ जाएगा। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पर फिर से कैरीड फॉरवर्ड होगा, समझ आया। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में ये 4 ऐड करेंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। 36 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 और 3 यहाँ पर साइड में लिखेंगे। अब क्या करना है, 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18 और 18 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2 = 36। 36 में 3 ऐड करेंगे, 39, तो 39 का 9 लिखेंगे और 3 कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, राइट। देखो समझ में आया, तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। सुनो, 56 का स्क्वायर करेंगे, और बड़ा सा नंबर लेके आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 36, 3 कैरिड फॉरवर्ड का चला जाएगा। अब आगे देखेंगे, 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30 और 30 की 2 में करेंगे, तो 30 को 2 से करोगे तो 60 आएगा और 60 में ये 3 ऐड होगा तो 63 आ जाएगा और फिर से 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31 आपके पास आ जाएगा, है ना मजेदार ट्रिक। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 98 का स्क्वायर, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ये मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता लगना चाहिए जो भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है क्या आपको समझ में आया।